अली का जिन बहुत ही खतरनाक है, पूरे बगदाद को तबाह कर सकता है। आपको यकीन हो गया ना उस्ताद जी, बगदाद में अंगूठी के जिन का साया है। माफ करना अलादीन, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि दूसरे जिन का आजाद होना नामुमकिन है, पर ये अंगूठी का जिन आजाद हुआ कैसे? फैसला तुम्हारा है, अंगूठी का जिन या इन मासूमों की जिंदगी। बहुत लंबी कहानी है उस्ताद जी, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल हमें बगदाद में मंडरा रहे उस खतरे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारा यकीन कीजिए उस्ताद जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमें अभी जिनू के बारे में सोचना चाहिए। वो अंगूठी का जिन जिनू पर काबू पाना चाहता है, और अगर इस जंग में आप हमारा साथ देंगे तो हम जरूर उसे रोक लेंगे। लेकिन हम एक जिन से कैसे लड़ सकते हैं अलादीन? अगर वो एक जिन है तो हमारे पास भी तो जिन है। अरे वाह, कौन आ गया? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं कैसे? जिनू आका, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी उसका मुकाबला नहीं किया, कभी जीता नहीं, तो मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? जिनू, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है, तुम्हारे अंदर अंगूठी छाप का डर है बस। तुम्हें याद है तुमने मुझे अपने जादू से बचाया था, तुम्हारे जादू के सामने उसे झुकना पड़ा। जिनू, उन हालातों में भी तुमने सही जादू फेंक कर मुझे जादुई कालीन के जरिए बचाया था मेरे भाई। हाँ, लेकिन मैं तो तुक्का मार रहा था। जिनू, वो तुक्का नहीं था मेरे भाई। तुम भूल रहे हो कि तुम चिराग के जिन हो, मतलब जिन की दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं भी इसे यही कह रहा हूँ उस्ताद जी। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है चिराग के जिन। अब ना उस मोटे को इसकी ताकत याद दिलाने का वक्त आ गया है। उस्ताद जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं तुम्हारा साथ दूंगा अलादीन। जिनू को उसकी ताकत का एहसास दिलाने की मुहिम का आगाज हो। मर गए मोटे। मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, उस पर अपना रहम बनाए रखना। अम्मी अम्मी, अलादीन, जिनू, अलादीन, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेरहम शहजादी, उसने तेरी गिरफ्तारी का हुक्म क्यों दिया था? क्या हुआ वहाँ महल में? तू रिहा क्या? अम्मी, इसमें शहजादी की कोई गलती नहीं है। अब सिपाहियों को किसी सुराबुद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था और वो मुझे अलादीन को ले गए, लेकिन वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल बगदाद में, किसी को काले बादल दिख रहे हैं, किसी को उड़ता हुआ साया दिख रहा है, और आज सिपाही बेवजह तुझे गिरफ्तार करके ले गए। और पता है, बाजार में आज लोग मुझसे कह रहे थे कि मुस्तफा भाईजान पर शायद कोई बुरा साया है। अम्मी, लोग तो कुछ भी कहते हैं। वैसे मुस्तफा चाचा ने क्या कर दिया? मुस्तफा भाईजान अजीब सी हरकतें करते हैं। उस दिन यहाँ आए थे और मुझसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे थे। आवाज भी बिल्कुल बदल गई थी उनकी, और अचानक ही अपने कंधे झुकाकर चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है जरूर उन पर किसी जिन का साया है। आहा,
अम्मी कहाँ जिन बिन होते हैं ना। अम्मी बहुत भूख लगी है बहुत तेजी से। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। सुबह से इतनी परेशान थी ना कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। मैं जानता हूँ आपने भी खाना नहीं खाया होगा। अपने बेटों की सलामती की दुआ ही मांग रही होंगी है ना, है ना? जानता हूँ अम्मी आपको, इसलिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या? अत्ते पत्ते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। रोज रोज किसको नहाना है? मेरे हाथ में खाना। अरे मुझे पहले ही पता था ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या लाए हो मेरे लिए बताओ तो। अम्मी ये देखिए खाना। अरे ये खाना कहाँ से आया? शाही बावर्ची खाने में काम करने वाले अलादीन को उन्होंने गिरफ्तार किया था। जुर्माना तो भरना ही था तो शाही रसोई से मैंने खाना मंगवा लिया। अब टूट पड़ते हैं। मैं अपने घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। आका तुमने सुना अम्मी ने क्या कहा? अम्मी को लगता है कि चाचा के ऊपर किसी जिन का साया है और बगदाद में सब अजीबोगरीब किसी जिन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब उन्हें लगता है कि जिन सब बुरे हैं। जिनू अगर चाचा चाची लुच्चे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लुच्चे होंगे। अगर चाचा चाची जैसे इंसान बुरे हैं तो क्या सारे इंसान बुरे होंगे? नहीं आका। तो फिर मेरे भाई जिनू सारे जिन भी कैसे बुरे हो सकते हैं? लेकिन आका अम्मी को तो यही लगता है ना। जिनू तुम ये सब मत सोचो, तुम बस अपनी तैयारी के बारे में सोचो। नहीं आका ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम अंगूठी के जिन को नहीं जानते हो। जिनू मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम उसके सामने हारोगे नहीं। उसके लिए क्या करना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। दोबारा बहादुरी दिखानी है तो तुम हमें अपनी निगाहों से बगदाद दिखाओगे। आका तुम इतना बंसवर के महल में नौकरी करने जा रहे हो? महल में काम करने तुम्हें ना जा रहा हूँ जिनू। फिर मैं तो शहजादी यास्मीन को घुमाने ले जा रहा हूँ। शहजादी यास्मीन को घुमाने? ये कब हुआ? कैसे हुआ? इतना तेज मत चलाओ नहीं तो शहजादी यास्मीन ही यहीं आ जाएंगी। जिनू तुम ये सब छोड़ो और तुम उसे ये वादा करो कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे। लेकिन मुझे कोई शौक थोड़ा। मैं अम्मी की कसम है जिनू। अब अम्मी की कसम के आगे मैं क्या करूंगा? लेकिन आका शहजादी को मेरी तरफ से सलाम कहना और जब तुम वापस आओगे तो मुझे सब बताओगी ना? सब बताऊंगा। ये है बगदाद का खूबसूरत बाजार। ये फूल कितने खूबसूरत है ना? लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस तरह बगदाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या हुआ? गुस्ताखी। मतलब? मतलब ये कि आपके साथ हूँ फिर भी ख्वाबों में खोया हुआ। किसके? लेकिन तुम भूलना मत कि तुम अभी भी हमारी दी हुई सजा काट रहे हो। अगर ये सजा है तो मुझे उम्र कैद दे दीजिए। आज तक हमें इतनी आजादी कभी महसूस नहीं हुई। आज ना हमारे साथ हमारा काफिला है, ना ही हमारे सैनिक और ना ही हमारा गुस्सा। ये हवाम की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। इतनी अच्छी भी नहीं होती क्योंकि आवाम की किस्मत कभी कभार चमकती है।
फिर हम तुम्हारी किस्मत आज अच्छे से चमका देते हैं। वैसे आप इन आम लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हमारी आज तक तारीफ नहीं की और इसके लिए तारीफों के पुल बंद रहे। चूड़ियों की दुकान खूबसूरत चूड़ियां हैं। मुझे इजाजत दीजिए। चूड़ियां पहना रहा है तो चूड़ियों की तरफ देखना, उसकी आंखों में क्या दिख रहे बंदर के बच्चे। ये मेहर की बच्ची बेहया बेशरम बेगैरत कैसे देखी जा रही है और अपने पीठ जैसे दांत करके दिखा रही है उसे। भाई को भी जलेबियाँ बहुत पसंद है, ये लीजिए। थोड़ी चिपचिप है। तो मैं हूं ना। कैसी लगी? लाजवाब, बहुत मीठी। लेकिन आपकी बातों से ज्यादा मीठी नहीं है। आदमी ने हमें आज तक नीम का पत्ता नहीं खिलाया खुद के हाथों से और इसे जलेबियां खिला रहा है। खाली चुस्त हो ना, एक बार हमारे सामने आ जाओ, हम तुम्हें उसी उबलते तेल की कढ़ाई में डाल देंगे। भागो, भागो। ये सब क्या हो रहा है? चाचा, 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 ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? भाग गया, शैतान का साया, भाग गया, भागो, भागो, भागो। ये
जहराल, जहराल! ये क्या बोला है? लगता है कोई जादुई ताकत है। तो मेरे भाई मिस्र की जमीन से आया था और उसने इस उड़ते वाले इंसान के बारे में बताया था कि वही शैतान है, वही शैतान। भागो, 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 भागो। यहाँ छुप जाइए और बाहर मत निकलना। आप अंदर जाइए। हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। शहजादी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। शहजादी मैं आपको सिपाही के पास ले जाता हूँ, वो आपको महल ले जाएंगे, वहां महफूज रहेंगी। ठीक है, आइए। हाँ सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ फौरन, जाओ जाओ जल्दी। अपना अपना ध्यान रखना अलादीन। आप भी शहजादी। बकचोड़ी तुम, काली चोर। मैं भी यही सोच रहा हूँ नक्चड़ी। जहराला खतरा थोड़ा टल गया, लेकिन हमें उसके पीछे चलना होगा। चलो अलादीन, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? चली सहराल मेरे घर की तरफ देख रहा है और चिनू और अम्मी घर पर ही हैं। चिनू, अम्मी, अलादीन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा जादू है तस्वुर, तुम्हें वही दिखाएगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। जहराल वापस लौट कर इन लोगों को मौत तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा बनाया हुआ जहराल का साया तुम्हारे अंदर खौफ भर देगा। बगदाद की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। बगदाद के लोगों, दिल थाम के बैठ जाओ। खुदा रहम कर, ये कैसा कहर है, शैतान की हंसी, हो ना हो बगदाद में किसी शैतान का साया है।
ये इतनी खौफनाक हंसी किसकी है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। खुदा रहम कर, ये कैसा कह रहे हैं? शैतान की हंसी, वो ना हो बगदाद में किसी शैतान का साया है। ये इतनी खौफनाक हंसी किसकी है? अम्मी, 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 आप बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। मुझे एक बार देखने तो देखिए, है कौन? नहीं, मेरी बात मान लीजिए, अम्मी, बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जहराल को मिस्र में खत्म कर दिया था काले चोर, तो अपनी उड़ने वाली और गायब होने वाली ताकतों के साथ वापस बगदाद में कैसे आ सकता है? हो ना हो, ये जरूर अंगूठी के जिनका कोई दिमागी खेल है, लेकिन इस वक्त मुझे ये बात नकचुरी से छुपानी होगी। नकचुरी, हमें होशियार रहना होगा, हमें बगदाद में दहशत को फैलने से रोकना होगा, क्योंकि मूछड़ जैसे शैतानी दिमाग आवाम को काबू करने के लिए ऐसे ही मौकों की तलाश में होते हैं। ठीक कह रहे हो काले चोर, हम बगदाद को मूछड़ के हाथों में नहीं आने देंगे, हम दोनों को कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.